तेजस दो छोड़िए, एम का फाइटर जेट पर असली खेल हो गया। अब अमेरिका में नहीं, भारत में ही डीआरडीओ बनाएगा एम का इंजन। अमेरिका के साथ भारत की बवंडर डील, अब आएगी प्रोडक्शन की आंधी। भारत का तेजस इस वक्त अपनी बेहतरीन क्षमताओं के चलते दुनिया के कई देशों को दीवाना बना चुका है। भारत का ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फाइटर जेट यूरोप के सबसे ढांसू फाइटर जेट यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर चुका है, मतलब उनको सीधी मात दे चुका है, जिसे देखकर जर्मनी के फाइटर पायलट तो इसके कायल हो चुके हैं। हालांकि ये सब हो ही रहा था कि अमेरिका इसके इंजन की सप्लाई रोकने में लग गया, लेकिन मोदी सरकार तुरंत हरकत में आई और राजनाथ सिंह को अमेरिका को राइट टाइम करने का टास्क दिया गया, जिसमें अब बड़ा खेल गया है। तमाम हीला हवाली छोड़कर अमेरिका अब लाइन पर आ गया है। बड़ी बात तो यह है कि वो अपने सबसे ढांसू इंजन देने के लिए न केवल तैयार हो गया है, बल्कि अब ये इंजन भारत में ही बनाने पर भी राजी हो गया है। यानी आगे से तेजस मार्क 2 और एम का फाइटर जेट के इंजन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनेंगे। इस बड़ी डील के बाद अब अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत भी एक ऐसा देश बनने वाला है जो लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की क्षमता रखेगा। इतना ही नहीं, भारत तेजस मार्क 2 के लिए ऐसा भयंकर सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो इसके एवियोनिक्स को दुनिया में सबसे पावरफुल बना देगा। अमेरिका भारत के साथ मिलकर कौन सा बवाल इंजन भारत में ही बनाने जा रहा है? भारतीय वायुसेना की ताकत में इसके कैसे कई गुना इजाफा हो जाएगा? भारत का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करके तेजस मार्क 2 को बेहद घातक बनाने जा रहा है, इस वीडियो में मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर अकड़ दिखा रहा अमेरिका भारत की किस धमक की वजह से पटरी पर आ गया है। हवाई ताकत के इजाफे को लेकर ये दमदार अपडेट आपका सीना चौड़ा करने वाली है। आखिरकार GEF-414 इंजन पर अमेरिका ने किया सरेंडर। प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए भारत ने शुरू की कवायद। तकनीक ट्रांसफर और मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर बड़ी कामयाबी। भारत इस वक्त अपनी हवाई क्षमता को मजबूत बनाने के लिए तमाम कदम उठा रहा है, जबकि वायुसेना को नए विमान सप्लाई के लिए ताबड़तोड़ प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन करार के बाद भी अमेरिकी कंपनी से इंजन सप्लाई न होने की वजह से भारत का ये प्रोग्राम अटक गया था। लिहाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाकर इसका बड़ा सॉल्यूशन निकाल डाला है। अब न केवल F-404 इंजन की सप्लाई में आ रही तमाम दिक्कत खत्म हो गई है, बल्कि एम का जेट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के बाहुबली फाइटर जेट इंजन GEF-414 इंजन के प्रोडक्शन का रास्ता भी साफ हो गया है, जिसके बाद भारत के विमानों को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। भारत अपने विमानों की ताकत में इजाफे को लेकर तमाम बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तेजस फाइटर जेट का सीक्रेट एल्गोरिथम पहले से ही दुनिया को दीवाना बनाए पड़ा है। अब तेजस के सबसे एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 के लिए भी ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जो इसके एवियोनिक्स को दुनिया भर के विमानों से ज्यादा ताकतवर बना देगा। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अमेरिका वाले बाहुबली GEF-414 इंजन के सीक्रेट के बारे में बताता हूँ, जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस इंजन को अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। ये काफी जांचा परखा टर्बोफैन इंजन है जो हल्का होता है। ये इंजन 98 किलो न्यूटन का थर्स्ट पैदा करता है, जबकि भारत का कावेरी इंजन से 81 किलो न्यूटन का थर्स्ट पैदा करता है। यानी ये विमान को चुटकियों में आसमान में पहुंचा सकता है। इस इंजन का इस्तेमाल अमेरिका समेत कई देशों की नेवी और वायु सेनाएं कर रही हैं। इस इंजन ने अब तक 50 लाख से ज्यादा घंटे की उड़ान भरी है। इसे बनाने वाली कंपनी अब तक 1600 से ज्यादा इंजन बना चुकी है। ये इंजन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो इसे बेहद खास बनाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस को डिजिटल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस इंजन की लाइफलाइन बढ़ाने के लिए इसमें बेहतरीन कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो इंजन को सुरक्षित करने के साथ ही इसकी क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। अब दोस्तों, अगर यह इंजन भारत में बनता है तो फिर भारत को इससे क्या फायदा होगा? दुनिया में केवल 8 ऐसे देश हैं जिनके पास GEF-414 इंजन जैसी तकनीक है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस इंजन को बनाने के बाद जल्द ही इस सूची में भारत भी शामिल हो जाएगा। अमेरिका इन इंजनों का इस्तेमाल अपने FA-18EF सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्रोवलर में कर रहा है। भारत GEF-414 इंजन को अपने तेजस मार्क 2 और एम का फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाएगा। इस तकनीक से तेजस बहुत एडवांस हो जाएगा। इस वक्त तेजस मार्क 1 में इस इंजन के बेसिक डिजाइन GEF-404 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है।
भारत इन इंजनों के प्रोडक्शन की ताबड़तोड़ तैयारियों में जुट गया है। अमेरिकी कंपनी के साथ इंजन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। भारत इंजन क्षमता में आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्योंकि भारत का मकसद ऐसे विमान बनाना है जिसके लिए विदेशों से कोई चीज आयात न करनी पड़े। भारत एमका विमानों की तमाम तकनीक किसी भी हालत में लीक नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से वो ताबड़तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और एक निजी विमान निर्माता कंपनी को तैयार करने में लगा है, जिससे भारत के अंदर विमानों के प्रोडक्शन का मजबूत एनवायरनमेंट तैयार हो सके और वायुसेना को इंजनों की सप्लाई में दिक्कत ना हो। अमेरिका के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इस इंजन में तमाम क्षमताएं हैं जो भारत की हवाई ताकत में इजाफे को लेकर बनाई प्लानिंग को पूरा कर देगी। भारत इंजन के अपने पूरे स्वदेशी मिशन यानी कावेरी प्रोजेक्ट पर अलग से भी एक प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें अभी कुछ वक्त और लग रहा है। वहीं तेजस मार्क 2 विमान की बात करें तो वो इन इंजनों के अलावा अपने खतरनाक एवियोनिक्स की वजह से भी बेहद घातक होने वाला है, जिसके लिए बवंडर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। DRDO तेजस मार्क 2 में लगा रहा गुप्त तकनीक। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही बड़ा एक्सपेरिमेंट। किसी भी विमान का एवियोनिक्स इसकी लड़ाकू क्षमताओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये विमान को ऑपरेट करने में कंफर्टेबल बनाता है। मतलब इसी क्षमता की वजह से विमान डॉग फाइटिंग, दुश्मन विमान से आसमान में लड़ाई करता है और उसे मार गिराने में कामयाब होता है। इसके लिए जरूरी है वो तमाम तरह से उलटने पलटने में माहिर हो, मतलब मनुवरिंग कर सके। इसके लिए एवियोनिक्स में दमदार एल्गोरिदम वाले सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं जो वक्त के साथ अपडेट होते रहते हैं। तेजस मार्क 2 विमानों में इस तरह से सिस्टम बनाया गया है कि इसे बेहद कम वक्त में नए सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा सकेगा। वहीं इसके एवियोनिक्स को बेहद दमदार बनाने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट दमदार सॉफ्टवेयर को विकसित कर रही है। इसकी वजह से ये विमान दूसरे विमानों से बेहद खास हो जाएगा, जबकि इन विमानों में HAL AI तकनीक भी लगाने वाला है। मतलब तेजस मार्क 2 अपनी रेंज में सबसे एडवांस विमान होंगे। जितना वक्त विमानों के प्रोडक्शन में लग रहा है, उतने ही नए अपडेट इन विमानों में होते जा रहे हैं। अगर हम इन विमानों की ताकत की बात करें तो तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान सबसे एडवांस LCA वेरिएंट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। ये एक भयंकर ताकतवर इंजन GF414 से लैस होगा, जबकि एक बेहतर रडार, बेहतर एवियोनिक्स, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस होने वाला है। ये तमाम तरह के हथियार, मिसाइल और पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। इस तेजस वर्जन में एक बड़ा धड़, लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता, बेहतर रखरखाव, अधिक भार वहन करने की क्षमता, अधिक मजबूत इंजन शक्ति और बेहतर फाइट सिस्टम होगा। इसके आने के बाद मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 को हटाया जा सकता है। तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान की डेडलाइन 2026 फिक्स कर दी गई है। इसे 2032 तक वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। वहीं पहले HAL को 120 तेजस मार्क 2 बनाने थे, जो अब 2035 तक बढ़कर 180 हो सकती है। जबकि DRDO चीफ के मुताबिक देश का पहला पांचवी पीढ़ी का विमान एमका 2035 में पहली उड़ान भरेगा और भारत जल्द ही पांचवी पीढ़ी के विमान बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, हवाई ताकत में इजाफे को लेकर भारत के इस ताबड़तोड़ प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।